हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज सर्कुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यस स्टूडेंट्स, सर्कुलेशन एज यू नो दिस इज द हाफ पोर्शन ऑफ द चैप्टर रेस्पिरेशन इन द सर्कुलेशंस एंड यू आर वेल फेमिलियर विद द पटेल साइंस एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द सर्कुलेशन? द ब्लड फ्लो इन द body of the human in all parts from the heart to the all parts of the body to provide the different nutrients and especially oxygen gas to every cell. While the blood is collected from the all parts of the body of that human from all parts, it provides or it gives all the material which is not necessary for the body, and they are proving to the poisonous part, that is carbon dioxide gas and other substance. So it has to be removed from the body or eliminated from the body. That's why it is collected by the heart, and from the heart it goes into the different part, into the lungs to remove the CO2, into the kidney to remove the all the waste material like the urea, uric acid, creatinine, etc. So dear students, blood circulatory system mein मटेरियल को जो रिक्वायर्ड है और जो पॉइजनस है उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम किया जाता है, यानी सर्कुलेट करने का काम किया जाता है। तो इसी को हम देख रहे थे। सो डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक जनरल यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि ये आर्टरीज है और जो येलो कलर में दिख रहे हैं, ब्लू कलर में दिख रहे हैं, ये वेंस है। तो आर्टरीज जो है बॉडी में प्योर ब्लड को सर्कुलेट करवाती है, और वेंस जो है बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होते हैं, पॉइजनस मटेरियल होते हैं, उसको हार्ट में वापस लेकर आती है। तो इस तरह से ये जनरल सिस्टम होता है। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो डिटेल में जाने से पहले देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं। द सिस्टम इन विच ब्लड इज़ सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। क्यों सर्कुलेट होता है मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि उससे उस ब्लड में जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, ये होते हैं, और ऑक्सीजन गैस होती है स्पेशली, जो हर सेल को चाहिए अपना फंक्शन पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए ब्लड में वो है, इसलिए ब्लड को पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट होना पड़ता है, और पूरे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करके वापस लेके आना पड़ता है हार्ट में, और हार्ट उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन के थ्रू बॉडी से रिमूव कर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये एक टाइप है सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसको डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने 1628 में। तो ये इसके टाइप अभी हम देखते हैं। और दूसरा है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, ताकि वो डिफरेंट पार्ट को पूरी जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो मिल जाए ब्लड में से। तो उसके लिए दो तरह के दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दो तरह की सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं। एक ऊपर जो मैंने आपको बताया क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा जो है जिसको ओपन विलियम हार्वे ने जो है डिस्कवर किया था, और दूसरा है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसकी डिटेल देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर द सिस्टम वेयर ब्लड, जस्ट अ मिनट, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर द ब्लड रादर देन बींग सील्ड टाइट इन द आर्टरीज एंड द वेंस, इट सफिसेस द बॉडी मे बी डायरेक्टली ओपन टू द एनवायरमेंट एट द प्लेसेस सच एज द डायरेक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इट कंटेन्स द इम्यून सेल्स, बट हीमोलियम डज नॉट हैव रेड ब्लड सेल्स लाइक आवर ओन। डियर स्टूडेंट्स, इसको समझाता हूँ मैं आपको, इसकी डिटेल आपको बताता हूँ। ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचता है, लेकिन हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए उसको कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती उसके पास, यानी कोई भी ट्यूब नहीं रहती जो ब्लड को, प्योर ब्लड को एक हार्ट से पूरे बॉडी में ले जाए, इम्प्योर ब्लड को पूरे बॉडी से, बॉडी के ऑर्गन से जमा करके हार्ट में वापस लेकर आए। तो फिर ये काम कैसे होता है? बस डायरेक्ट जैसे नदी बहती है ना, वैसे ही हार्ट में से ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है, और पूरे बॉडी का वेस्ट जो मटेरियल वाला ब्लड होता है, यानी इम्प्योर ब्लड जो होता है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो इस तरह से वापस बहते हुए हार्ट में आता है। यानी ब्लड अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है
और उसके लिए जाने आने जाने के लिए कोई वेसल्स नहीं है, यानी कोई ट्यूब नहीं है, तो ऐसे सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जैसे कॉकरोचेस वगैरह में ये रहता है, ऐसा जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, लोअर एनिमल है, उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। और क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, ऐसा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड एक जगह से दूसरी जगह यानी हार्ट से पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी से वापस हार्ट में आता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उनके पास ब्लड वेसल्स होते हैं यानी खून की नालियाँ यानी ट्यूब होती है, जैसे कि आर्टरी, जैसे कि वेंस, कैपिलरीज एक्सेट्रा। तो वो अगर ट्यूब में होते हुए ट्यूब से जा रहा है तो इसको क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, और अगर बगैर ट्यूब के जा रहा है बहते हुए नदी की तरह तो ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको बोलते हैं ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये आपको मिलेगा हायर ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन बीइंग में। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए ह्यूमन है द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दिस मीन्स डैट द ब्लड इज ऑलवेज एनक्लोज्ड इन द वेसल्स। डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया कि ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज टाइप का है, इसका मतलब ये है कि ब्लड जाता है इनक्लोज्ड होके, यानी काय के अंदर जाता है, वेसल्स के अंदर, मतलब आर्टरीज और उसके अंदर, एंड द हार्ट व्हाइल सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द बॉडी एंड इन कंपेरिजन टू एनिमल्स सच एज द इंसेक्ट, जैसे छोटे छोटे एनिमल जो होते हैं, इंसेक्ट और छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं, उनके बॉडी में ये काम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है, और ह्यूमन में यही काम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। मकसद एक ही है, इन अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड इज कंटेंड इनसाइड द ब्लड वेसल सर्कुलेटरी यूनिडायरेक्शनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द हार्ट अराउंड द सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी रूट देन द रिटर्निंग टू द हार्ट अगेन। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, तो समझ लीजिए ये हायर एनिमल में है, यानी इंसानों में भी यही है और दूसरे हायर एनिमल में भी है, तो जाहिर सी बात है इसमें ब्लड कहाँ से जाएगा, हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाएगा और वापस पूरे बॉडी से हार्ट की तरफ आएगा, तो दो ही डायरेक्शन में ब्लड जो है ट्रैवल कर सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए इनके पास क्या है, सर्कुलेटरी वेसल्स यानी ब्लड की वेसल्स है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सर्कुलेशन इन एनिमल दो टाइप का है, अभी आपको मैंने बताया, इन हायर एनिमल द सर्कुलेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेसिफिक फ्लूइड जिसको हम ब्लड या लिम्फ ब्लड बोलते हैं, और एक लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, उसकी भी डिटेल हम देखेंगे। तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हायर एनिमल फ्रॉम द एनलिडर टू द कॉर्डेटा ग्रुप दे हैव स्पेशल फ्लूइड लाइक अ ब्लड एंड लिम्फ, लेकिन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ब्लड जो है पंप टू द टिश्यू और हार्ट के थ्रू ये काम होता है, थ्रू द ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स खून की जो नाली है, आर्टरी, वेंस, आर्टरियोल्स, आर्टरीज, ये काम इसके ब्लड इनके पाइप यानी ये ट्यूब जो होती है इसके अंदर से होते हुए जाता है, तो इसीलिए इसको क्लोज ब्लड वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने इसे डिटेल बताया, ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ओपन में आपको देखने को मिलेगा कि इन एनिमल एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी कैविटीज़, तो इसमें तो अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में तो ब्लड वेसल्स है ही नहीं, तो फिर ये काम कौन करेगा, बॉडी कैविटी यानी बॉडी के अंदर जो स्पेसेस होती है उसमें डायरेक्ट ब्लड चले जाएगा और वहाँ से बॉडी के एक एक सेल को मिल जाएगा, यानी सिंपल सा टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ये होता है, छोटे छोटे एनिमल में होता है। लेकिन हायर एनिमल में क्या होता है, इन ऑल द वर्टेब्रेट्स हायर मॉलिक्स का एंड एनिलेट्स ब्लड, हम तो यहाँ पर ह्यूमन की एग्जाम्पल देख रहे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपको ये भी दे रहा हो कि मॉलिक्स का जितने भी होते हैं और जितने भी मतलब वर्टेब्रेट होते हैं उसमें ज़्यादातर मॉलिक्स का और एनिलेट्स ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड इसमें जाता है, इसमें ब्लड बॉडी कैविटी के थ्रू जाता है, यानी ये बॉडी में जो स्पेस होती है उसमें जाता है और इसमें डायरेक्ट ब्लड वेसल्स में जाता है। उसके बाद द विसरल ऑर्गन्स लाय इन द ब्लड फील्ड बॉडी कैविटी, तो विसरल ऑर्गन जो है यानी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो इस ब्लड कैविटी में ही रहते हैं, तो डायरेक्ट ब्लड कैविटी में ब्लड आता है, डायरेक्ट ब्लड कैविटी से ये विसेरल ऑर्गन अपने ब्लड को ले लेते हैं। और इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लोस विद इन द ब्लड वेसल्स डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल एंड द बॉडी टिश्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें तो सीधी सी बात है कि ब्लड वेसल्स को ऑर्गन के पास जाना पड़ेगा, इसका मतलब पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स का, आर्टरीज का और वेंस का जाल नेटवर्क फैला हुआ है और हर एक के पास, किडनी के पास, लंग्स के पास, आईज के पास, ईयर के पास, टंग के पास, बॉडी के एक एक पार्ट के पास
ब्लड वेसल जुड़ी हुई है जिसमें से हार्ट के थ्रू ब्लड आता है और हार्ट में वेन के थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू आता है और वेन के थ्रू जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस डायरेक्टली बिटवीन द ब्लड सेल्स, ब्लड एंड द सेल्स एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो ये डियर स्टूडेंट, ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि ब्लड सर्कुलेट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करना है, यानी उसको प्रोवाइड करना है, जो ज़रूरत वाला है, जो नेसेसरी मटेरियल है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये ब्लड से सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर जाता है और उनका जो पॉइजनस मटेरियल या वेस्ट मटेरियल तैयार होता है वो बॉडी टिश्यू से या सेल से ब्लड के अंदर वापस आता है और ब्लड उसको हार्ट में वापस ले जाता है। तो ये इसमें भी ऐसे ही होता है। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ब्लड बिटवीन द ब्लड एंड द बॉडी टिश्यूज एंड थ्रू आउट द इंटरमीडिएट फ्लूइड, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इसमें लिम्फ के जरिए होता है, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा लिम्फेटिक सिस्टम किसको होता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, एक दो पॉइंट और देख लेते हैं ब्लड वेसल्स से रिलेटेड। तो वो दो पॉइंट जो है, पहला है उसमें द ब्लड फ्लोस विद लो प्रेशर। जाहिर सी बात है अगर ट्यूब के अंदर नहीं जा रहा है तो प्रेशर लो ही रहेगा। यूजुअली डू नॉट कंटेन एनी रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक द हीमोग्लोबिन, सो इट डज़ नॉट ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैसेस। अब जाहिर सी बात है ब्लड का प्रेशर भी कम है और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट यानी कोई ऐसा हीमोग्लोबिन जैसा पिगमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन गैस को और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने साथ लेके आए या ले जाए, तो इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड है, उसमें सेल्स है, उसमें आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन गैस को और CO2 को अपने साथ कैरी कर सकता है, तो इसलिए इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन गैस अंदर आती है, CO2 बाहर जाती है। ओके, एग्जांपल अगर देखेंगे तो आर्थ्रोपोड्स, कॉकरोच वगैरह, मॉलिस्का वगैरह, ये इसकी एग्जांपल है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, और ह्यूमन बीइंग सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो इतना तो डियर स्टूडेंट आपके समझ में आ गया होगा कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू कैरी करता है ब्लड और हार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में और डिफरेंट पार्ट से वापस हार्ट में आता है, तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये देखिए विलियम हार्वे जो है इन्होंने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये वो ग्रेट आदमी हैं जिन्होंने ये काम करके दिखाया था, ये उनकी टीम है और यहाँ पर वो डिस्कस करते हुए इस ब्लड वास्कुलर सिस्टम को और डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए आप देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोज सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब ये जो हमारे बॉडी में क्लोज टाइप का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ये दो तरह का हो सकता है, सिंगल और डबल। ये क्या बात है, सिंगल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं और डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। सिंगल सर्कुलेशन, द ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल एज इन द फिशेस। सिंगल सर्कुलेशन का मीनिंग ये है डियर स्टूडेंट्स के ब्लड जो है जब एक साइकिल कंप्लीट करता है, यानी हार्ट से निकला और बॉडी के टिश्यू तक पहुंचा और टिश्यू से वापस फिर हार्ट में पहुंचा, तो इस टाइम पे ब्लड जो है हार्ट से सिर्फ एक ही बार हार्ट से होते हुए जाता है। तो जैसा कि फिशेस में ऐसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होता है, इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द गिल्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी गंदा खून, इम्प्योर ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, ऐसे ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो वो क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डियर स्टूडेंट्स वो हार्ट से निकला, पम्प हुआ, हार्ट से निकला, किधर गया, गिल्स की तरफ गया जो उसका रेस्पिरेशन करवाते हैं, वेयर इट अंडरगोस ऑक्सीजनेशन, जहाँ पर इसका ऑक्सीजनेशन होता है यानी कि ऑक्सीजन गैस उसमें आना शुरू हो जाती है ब्लड में। इसका मतलब प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड जो है मछलियों में, फिशेस में, गिल्स के अंदर होता है और हायर एनिमल में लंग्स के अंदर होता है, क्योंकि फिशेस में लंग्स नहीं रहते, लंग्स की जगह गिल्स रहते हैं, इसलिए ये काम वो करके देते हैं। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टूवर्ड्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स, गेट डी ऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये है इसका गिल्स। ओके, तो ये बॉडी का ब्लड जो है हार्ट से निकला, ये जो है ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये इम्प्योर ब्लड है यानी इसमें CO2 ज़्यादा है, और रेड वाला जो दिख रहा है इसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये हार्ट है इसका, फिश का, यहाँ से ब्लड निकला और गिल्स में गया, गिल्स में जाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें CO2 ज़्यादा था जिसको इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं, अब ये गिल्स में ऑक्सीजन गैस आई क्योंकि ऑक्सीजन गैस
जो है फिशेस गिल्स के थ्रू अपने अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो इम्प्योर ब्लड था ये प्योर हो गया। प्योर होने के बाद यहाँ से निकला और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसको यूज़ किया गया। यूज़ करने के बाद फिर से ऑक्सीजन को यूज़ करने के बाद ऑक्सीजन कम हो गया ब्लड में और CO2 ज़्यादा हो गया, यानी अब ये ब्लड फिर से इम्प्योर हो गया। तो इम्प्योर होने के बाद ये वापस से वेन के थ्रू जो है फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट में आने के बाद फिर इसको वापस गिल्स में ले जाते हैं। यानी ये इस तरह का साइकिल है जिसमें ब्लड आप देख रहे होगे हार्ट से निकला, ब्लड आप देख रहे होगे यहाँ पर हार्ट से निकला, गिल्स में गया, गिल्स में प्योर हुआ, फिर पूरे बॉडी में टिश्यू में गया, उन्होंने यूज़ किया, फिर ये इम्प्योर हो गया, फिर वापस से हार्ट में गया। यानी हार्ट से निकला, गिल्स में गया, पूरे बॉडी में गया, वापस से हार्ट में आया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सिंस द हार्ट ऑफ द फिशेस कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ऑल्सो कॉल्ड वेनस हार्ट, क्योंकि इसमें फिशेस के जो हार्ट है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। आपने देखा होगा इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ही नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसके हार्ट में, और वो गिल्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होता है और पूरे बॉडी में यूज़ हो जाता है, और फिर से जब वापस हार्ट में आता है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ही रहता है। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें हार्ट में कभी भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो गिल्स में रहता है, यानी ये ब्लड जाके प्योर गिल्स में होता है और पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड हो जाता है। तो डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन कैसी होगी, हार्ट, गिल्स, बॉडी पार्ट्स, इस तरह से, एंड फिर डीऑक्सीजनेटेड होकर वापस से हार्ट। तो इसका मतलब जब एक साइकिल कंप्लीट हुआ तो हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वापस से आया, लेकिन हार्ट से पास हुआ एक ही बार। तो इसलिए फिशेस में ये जो इस तरह का सिस्टम है उसको सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं, जो इंसानों में है। डबल सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर ये देखते हैं डियर स्टूडेंट, कि इन द डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल एंड इट ऑकर्स इन द बर्ड्स एंड मैमल्स। तो अगर आप देखेंगे तो डबल सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो हार्ट से होते हुए दो बार जाता है। कैसे जाता है पूरी डिटेल आपको मैं समझा के दूंगा, ओके। और फिशेस में एक ही बार गया क्योंकि ब्लड एक ही बार हार्ट में आया था, इसलिए सिंगल सर्कुलेशन, और यहाँ ब्लड दिल से हार्ट से होते हुए दो बार जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कैसा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इन दीज एनिमल्स हार्ट पम्प डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन एंड इट रिटर्न्स टू द हार्ट एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होगी, जैसे ह्यूमन में, मैमल्स में हार्ट जो है हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, गंदा खून था, इम्प्योर ब्लड था जिसमें CO2 ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो वो हार्ट ने उसको कहाँ पर पम्प किया, उसको पम्प किया लंग्स में। लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, क्योंकि हम जो है रेस्पिरेशन लंग्स में करते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस हमारी लंग्स में आके जमा रहती है। तो ऑक्सीजन गैस जो इसको कहाँ मिलेंगी, ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में। इसलिए दिल ने, हार्ट ने अपने ब्लड को कहाँ पर भेजा, लंग्स के अंदर। लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, और लंग्स ने वापस ये किसको दिया, हार्ट को। यानी यहाँ से गंदा ब्लड निकला था, इम्प्योर ब्लड निकला था, लंग्स में गया, प्योर हुआ, और लंग्स में से वापस हार्ट में आ गया। तो अब ये हुआ एक साइकिल, ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया एक साइकिल। यानी हार्ट से ब्लड निकला, लंग्स में गया जो इम्प्योर था, जब लंग्स में आके प्योर हुआ और वापस से हार्ट में आ गया। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ब्लड जो है ये जो अभी प्रोसेस हुआ, हार्ट, लंग्स और वापस से हार्ट, इसको बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी दिल और दिल से लंग्स में, लंग्स से वापस दिल में, ये हुआ एक सर्कुलेशन। और विलियम हार्वे ने कहा कि दूसरा सर्कुलेशन कौन सा है, उन्होंने कहा कि द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब जो ब्लड हार्ट में आया वो ऑक्सीजनेटेड है, नाउ इट इज़ पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट टूवर्ड्स द वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स एंड रिटर्न बैक टू द हार्ट एज अ डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डियर स्टूडेंट्स, वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में है, अब हार्ट से कहाँ गया, टूवर्ड्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के पास गया, लेकिन इस बार वो लंग्स में नहीं जाएगा क्योंकि लंग्स में वो पहले ही एक राउंड मार के आ गया है, प्योर होकर आ गया है। अब पूरे बॉडी पार्ट्स उसको यूज़ करेंगे, उसमें का ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, अब वो ब्लड हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड, यानी फिर से इम्प्योर ब्लड हो जाएगा, उसमें CO2 ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगा, फिर इसको वापस से ऐसा इम्प्योर ब्लड दिल में आना पड़ेगा। तो अभी देखिए दिल में दूसरी बार ये ब्लड आ रहा है। तो पहला सर्कुलेशन को हमने क्या कहा था, पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो काय के लिए रहता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए। दूसरा सर्कुलेशन को हमने क्या कहा,
बॉडी सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें क्या है, ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी में जाता है। तो इस तरह से दिल में दो बार ब्लड होते हुए आता है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। विलियम हार्वे ने ये बात कही थी और उसको इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो डियर स्टूडेंट, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में और डबल सर्कुलेशन मैमल्स में, खासकर ह्यूमन बीइंग में होता है। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड एक ही बार जो है हार्ट से पास होता है, हार्ट, गिल्स और बॉडी। और डबल सर्कुलेशन में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में, हार्ट में ऑक्सीजनेशन होने के लिए और वापस से फिर हार्ट से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो इसलिए डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और बॉडी सर्कुलेशन। तो आई होप कि आपके ये समझ में आया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की डिटेल देखते हैं। जो मैं अभी तक आपको समझा रहा था वो कुछ इस तरह से है, द सिस्टमेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट शोज डबल सर्कुलेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप यहाँ पर अगर इसकी डिटेल देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। अब ये देखिए, ये है हार्ट। तो हार्ट में देखिए, राइट साइड देखते हैं अपन पहले, राइट एट्रियम, हार्ट के ये चैम्बर है, लेफ्ट एट्रियम। तो राइट साइड में ये जो पार्ट दिख रहे हैं ब्लड का, ये जो राइट साइड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यानी गंदा खून था। अब वो गया कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में, यानी वो आर्टरी जो लंग्स की तरफ इस हार्ट को ले जाती है। फिर इसको लंग्स में ले गया और लंग्स में जाने के बाद ब्लड क्या हो गया, प्योर हो गया, और ये पल्मोनरी वेन में लंग्स में से गया और वापस से फिर हार्ट में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बना एक सर्कुलेशन जिसको मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह से। ये काय के लिए था, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन था काय के लिए, हार्ट से निकला, हार्ट में वापस आया लंग्स से होते हुए, ये था ब्लड को प्योर करने के लिए, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है ये वाला। अब ये जो ब्लड आया कहाँ आया, हार्ट में, लेकिन कौन से वाले पार्ट में, लेफ्ट साइड वाले पार्ट में आया, ठीक है। अब लेफ़्ट साइड से ये निकला, अब गया डॉर्सल एओर्टा में, यानी सबसे बड़ी वाली आर्टरीज में गया और वहाँ से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में गया, लेकिन इस टाइम वो लंग्स में नहीं गया, ओके। और बॉडी पार्ट ने उसको यूज़ किया और यूज़ करने के बाद अब उसमें ऑक्सीजन यूज़ हो गया, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम रहेगा और CO2 ज़्यादा रहेगा। अब वो वेंस के ज़रिए, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए वापस से फिर हार्ट में आएगा, लेकिन हार्ट में अब कहाँ आएगा, राइट साइड में, एज अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक फिर से एक बात देख सकते हैं कि ये ब्लड प्योर था, हार्ट के लेफ्ट साइड से निकला, बॉडी एओर्टा में गया, बॉडी ऑर्गन में गया, उसने उनको यूज़ किया और वेन ने लेकर वापस से हार्ट में आया, ओके। और पहला वाला कैसा था, पहला वाला डियर स्टूडेंट्स ऐसा था जो हार्ट के राइट साइड से निकला, गंदा खून था, इम्प्योर ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड था, पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स में गया, प्योर हुआ, वेंस के ज़रिए राइट लेफ्ट साइड में आया हार्ट के, ओके। तो यहाँ आप देखिए, हार्ट में ये ब्लड दो बार आया, एक बार ऑक्सीजनेटेड होकर, एक बार डीऑक्सीजनेटेड होकर। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ये डबल सर्कुलेशन हो गया, दो बार सर्कुलेशन हो गया। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आर्टरीज जो होती है, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड प्योर ब्लड को ले जाती है, और वेंस जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। लेकिन यहाँ आपको उल्टा दिख रहा होगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में यहाँ पे आर्टरी जो है यहाँ से इम्प्योर ब्लड लेके जा रही है और लंग्स में दे रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई वेंस नहीं है, इसलिए ये काम आर्टरी को करना पड़ता है। तो बॉडी में एक ही आर्टरी ऐसी है जो उल्टा काम करती है, जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, जो इम्प्योर ब्लड को राइट साइड से ले जाती है हार्ट के और लंग्स में ले जाती है प्योर होने के लिए। अब लंग्स से वापस ये प्योर ब्लड को लाने के लिए कोई आर्टरी नहीं है, तो इसलिए यहाँ ये काम वेंस को करना पड़ता है प्योर ब्लड को लाने का, और ये इसको हार्ट में लेकर आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो बात याद रखिए आप कि पूरे बॉडी में आर्टरी प्योर ब्लड को ले जाती है, वेंस इम्प्योर ब्लड को ले जाती है, लेकिन सिर्फ एक आर्टरी ऐसी है जिसका नाम पल्मोनरी आर्टरी है, जो उल्टा काम करती है, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में प्योर बनाने के लिए जाती है। और वेंस जो है, एक ही वेंस पूरे बॉडी में ऐसी है जिसको पल्मोनरी वेंस बोलते हैं, जो प्योर ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेकर आती है, क्योंकि वहाँ पर कोई आर्टरी नहीं। तो बस ये दो एक्सेप्शनल केस याद रखिए, बाकी पूरे आर्टरीज वही काम करते हैं जो प्योर ब्लड को लाने का काम आर्टरीज और वेंस इम्प्योर ब्लड को लाने का काम करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के इस लेक्चर में हमने देखा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ओपन और क्लोज टाइप का सर्कुलेशन और सिंगल और डबल सर्कुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।